होम लोन के स्मूथ रीपेमेंट के लिए अपने होम लोन की ईएमआई को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राज पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्री जी इंश्योर पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि होम लोन की ईएमआई को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब देखो, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप होम लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो होम लोन मैनेज करने के प्रॉपर तरीके क्या क्या हैं। लेकिन 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 वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्री जी इंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहे और आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की जर्नी में अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही तो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो आपके होम लोन की ईएमआई को मैनेज करने के लिए मैं 9 तरीके बताने वाला हूं आज। नंबर 1, बजट प्लानिंग। सबसे पहले आपको एक बजट बनाना होगा जिसमें आपके सभी मंथली एक्सपेंसेस और इनकम शामिल हो। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जानना आपके लोन ईएमआई को इफेक्टिवली मैनेज करने का सबसे पहला स्टेप होता है। नंबर 2, चूज द राइट ईएमआई। सही ईएमआई चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए होम लोन लेने से पहले ऐसी ईएमआई अमाउंट चूज करें जो आपके बजट में इजीली फिट हो, ना कि बैंक के बजट में। ओके, नंबर 3, इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड बनाओ जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल इमरजेंसीज को कवर कर सके। तो अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज होता है तो आपकी इमरजेंसी फंड आपकी ईएमआई को कवर कर सकती है। स्मूथ लोन रीपेमेंट के लिए टाइम पर ईएमआई भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, प्रायोरिटाइज हाई इंटरेस्ट लोन। अब देखो, अगर आपके पास दूसरे हाई इंटरेस्ट लोन है, यानी कि वैसे लोन जिसमें और लोन्स की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो पहले उनको चुकाना जरूरी होता है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट लोन का बर्डन कम होने से आपके पास होम लोन की ईएमआई के लिए ज्यादा अमाउंट होगा ना। नंबर 5, रेगुलर ईएमआई पेमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया, टाइम पर ईएमआई पेमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। इससे होगा क्या कि टाइम पर ईएमआई चुकाने पर आप जुर्माना और इंटरेस्ट चार्जेस से आराम से बच सकते हैं। आपसे कोई भी ईएमआई मिस ना हो जाए, इसके लिए आप ऑटोमेटिक पेमेंट मैंडेट कर सकते हैं। नंबर 6, पार्शियल प्री पेमेंट। अगर आपको किसी सोर्स से कुछ एक्स्ट्रा कैश मिलता है तो अपने होम लोन का पार्शियल प्री पेमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बेनिफिशियल भी। इससे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट कम हो सकता है और आपकी कुछ ईएमआई कम हो सकती है, यानी लोन टेन्योर कम हो सकता है। नंबर 7, लोन टेन्योर। देखो, लोन का टेन्योर जितना ज्यादा होगा ना, उससे आपकी मंथली ईएमआई का अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लोन टेन्योर ज्यादा है तो उस दौरान जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आप पे करते हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको ऐसा लोन स्ट्रक्चर बनाना होगा, ऐसा लोन टेन्योर चूज करना होगा जो आपकी ईएमआई को अफोर्डेबिलिटी और इंटरेस्ट कॉस्ट को बैलेंस करे। नंबर 8, इनकम इंक्रीज। देखो, जब भी आपकी इनकम बढ़े तो मंथली ईएमआई के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट प्री पेमेंट करना अच्छा होता है। इससे लोन टेन्योर कम हो सकता है और आप इंटरेस्ट भी सेव कर सकते हैं। नंबर 9 और लास्ट है रीफाइनेंसिंग। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर होम लोन इंटरेस्ट में गिरावट आती है तो आप न्यू लो इंटरेस्ट रेट के साथ अपने लोन को रीफाइनेंस करके इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप होम लोन ईएमआई को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने में आप भी हमारा साथ दीजिए। आप और कैसे साथ दे सकते हैं हमारा? चैनल को सब्सक्राइब करके, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाकी अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल हो तो आओ कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। श्री जी इंश्योर की एक्सपर्ट्स की टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।